Hey guys, welcome back to my classes. Today let's continue with the toughness जो हमने last class में छोड़ दिया था toughness को. तो toughness किसी भी material की वो property होती है जिस property के तहत आप उस material को twist कर सकते हो, bend कर सकते हो और stretch कर सकते हो under a high stress यानी हाई स्ट्रेस यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोड लगाकर आप उसको ट्विस्ट कर सकते हो, बेंड कर सकते हो और स्ट्रेस कर सकते हो. ऑब्वियसली बात है, अगर आप हाई स्ट्रेस उस पर लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके वो किसी पॉइंट पर टूटेगा, रप्चर होगा. ठीक है, रप्चर मतलब टूटना, टूटेगा. तो टूटने से पहले आपका मटेरियल ट्विस्ट हो सके, बेंड हो सके और स्ट्रेच हो सके. ऐसे मटेरियल इस प्रॉपर्टी की मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम लोग टफनेस कहते हैं. ठीक है, क्या कहा जाता है? टफनेस. नाउ टफनेस को मेजर कैसे किया जाता है? सो मेजर टफनेस इज मेजर बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैन एब्जॉर्व बिफोर इट्स रप्चर. ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में एब्जॉर्व करता है रप्चर से पहले. किससे पहले? रप्चर से पहले उसको हम टफनेस, उससे हम टफनेस मेजर करते हैं. मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ आपके मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम में रप्चर से पहले, टिल रप्चर तक. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं दो चीज़ लेती हूँ, एक ग्लास और माइल्ड स्टील. ठीक है, ग्लास लेती हूँ, दूसरा माइल्ड स्टील. तो माइल्ड स्टील जो हमारा है, माइल्ड स्टील इज टफर, टफनेस उसकी ज़्यादा होती है देन ग्लास. ठीक है, ग्लास से माइल्ड स्टील की टफनेस ज़्यादा होती है. सो ये हमने कैसे मेज़र किया? ये हमने मेज़र किया कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुआ है, उसके फ्रैक्चर से पहले कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस यूनिट वॉल्यूम में यानी जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, उसकी टफनेस टेस्ट कर रहे हो, उस पूरे यूनिट वॉल्यूम में कितना मतलब कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, कितना एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाया है मटेरियल बिफोर इट्स रप्चर. तो ऑब्वियसली बात है, माइल्ड स्टील ज़्यादा करेगा देन ग्लास. ग्लास टफ नहीं होता. ठीक है, ग्लास टफ नहीं होता, वो जल्दी ब्रेक कर जाता है. ओके, एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आप मटेरियल को हीट करते जाओगे, मटेरियल की हीटिंग जैसे बढ़ेगी, टफनेस उस मटेरियल की डिक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है, जैसे जैसे मटेरियल को आप हीट करोगे उसकी टफनेस डिक्रीज हो जाएगी. और ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, टफनेस प्रॉपर्टी, ये बेसिकली कहाँ यूज़ होती है? स्ट्रक्चर एंड मशीन पार्ट्स में. ठीक है, मशीन के पार्ट्स में एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह में हम लोग इसको यूज़ करते हैं बिकॉज वी नीड अ मटेरियल जो कि एब्जॉर्ब कर सके, सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके बिफोर इट्स रप्चर. ठीक है, वी नीड दिस टाइप ऑफ मटेरियल, इसलिए हमको ये प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो बाय एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि हम टफनेस कैसे मेज़र करते हैं. टफनेस हम मेज़र करते हैं किसी भी मटेरियल के फ्रैक्चर पॉइंट से पहले पहले तक जो भी एनर्जी स्टोर होती है उस मटेरियल में, उसको हम टफनेस कहते हैं. ठीक है, उसको मेज़र करते हैं एनर्जी स्टोर से. तो बेसिकली हम इसको किससे दिखाते हैं? स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस. बताया था मैंने आपको स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ बनता है. वैल ये ग्राफ मैं किसके लिए बना रही हूँ? माइल्ड स्टील के लिए बना रही हूँ. तो जो माइल्ड स्टील का ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है. ठीक है, इस तरीके का होता है और ये उसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है. ठीक है, ये उसका फ्रैक्चर पॉइंट होता है. यानी इससे पहले पहले जितनी एनर्जी इस पोर्शन में सेव हुई, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस पोर्शन में सेव हुई, इस यूनिट वॉल्यूम में जो सेव हुई, उसको हम टफनेस कहते हैं. ठीक है, उसको हम टफनेस कहते हैं, उसको हम मेजर करते हैं. और ये वर्क जो हमने किया है इसको हम मॉडुलस ऑफ टफनेस कहते हैं. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, नाउ ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी इम्पोर्टेंस
उस जगह पर ज़्यादा है जहाँ पर आपको एक इम्पैक्ट लोड मिले, ठीक है। इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब एकदम सडन, एकदम से जो लोड आता है, जो इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, वो इम्पैक्ट लोड होता है। तो इम्पैक्ट लोड मिले जो टाइम टू टाइम आपके मटेरियल पर अप्लाइड हो रहा हो, ऐसे जगहों पे हमें टफनेस, मटेरियल की टफनेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब व्हाट यू नेक्स्ट इज स्टिफनेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टिफनेस। स्टिफनेस बोले तो कि कोई भी ऐसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की टू रेसिस्ट डीफॉर्मेशन। किसका डिफॉर्मेशन? मटेरियल का डिफॉर्मेशन, ठीक है। सो स्टिफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स मटेरियल, जो मटेरियल को अनेबल करती है टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्या करने के लिए अनेबल करती है? टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है विकार। विकार मतलब क्या होता है? जैसा भी मटेरियल आपका किसी शेप में प्रेजेंट है, उस पे फोर्स लगने से या उससे क्या होता है, उस पे फोर्स लगने से उसका डिफॉर्मेशन होता है। सो स्टिफनेस इज अनेबल्स मटीरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन को रोकने में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी हेल्प करती है वो है स्टिफनेस। और इस स्टिफनेस को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, हमने पढ़ा था। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, विच मीन्स शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो जिस मटेरियल की स्टिफनेस जितनी ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ स्टिफनेस जिसकी ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि वो हाई डिफॉर्मेशन सह सकता है, ठीक है, रेसिस्ट कर सकता है हाई डिफॉर्मेशन को। और जिसकी आपके मतलब जिसका भी ये स्टिफनेस कम होगा, ऑब्वियसली बात है, जो मटेरियल जितना कम स्टिफ होगा वो उतनी कम डिफॉर्मेशन जो है रेसिस्ट करेगा। क्योंकि अगर स्टिफनेस ज़्यादा नहीं है तो डिफॉर्मेशन जो है जल्दी होगी, अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो डिफॉर्मेशन लेट होगी, कम होगी, ठीक है। तो बाय दिस वी मेजर द स्टिफनेस। एंड देखो गाइस, स्टिफनेस मेजर करने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे कि आप एक बीम लो, बीम मतलब लो दो बीम लो, एक बीम स्टील की और दूसरी एल्युमिनियम की, ठीक है। सो अगर आप स्टील और एल्युमिनियम की बीम लेते हो तो दोनों ही स्ट्रांग इनफ है लोड लेने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से लोड ले सकती हैं। लेकिन जो एल्युमिनियम वाली बीम होती है वो जल्दी, उसमें सैग जल्दी आ जाता है या डिफ्लेक्ट जल्दी हो जाती है। एल्युमिनियम के जो बीम है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट जल्दी कर लेगी, इसलिए हम एल्युमिनियम की बीम यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा स्टील की बीम प्रेफर करते हैं, बिकॉज स्टील में डिग्री ऑफ स्टिफनेस इज मोर देन एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम से डिग्री ऑफ स्टिफनेस स्टील में ज़्यादा होता है। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज है स्टिफनेस टफनेस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? मशीन पार्ट्स के लिए, ठीक है। किसके लिए है? मशीन पार्ट्स या मेंबर ऑफ मशीन जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए, उस टाइम पे हमें उस मेंबर में पर्टिकुलर किस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, उस प्रॉपर्टी के लिए हम ये सब प्रॉपर्टी देखते हैं मटेरियल की, कि कौन सा उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी कौन सा मटेरियल दे रहा है, तो हम वहाँ पे वही मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज रेसिलियंस। रेसिलियंस का मतलब होता है कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी या कैपेसिटी मटेरियल की, जिसके अंदर मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, स्टोर करे, प्लस में रेसिस्ट करे शॉक एंड इम्पैक्ट। अब सोचो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया भाई, इसमें तो एनर्जी भी स्टोर हो रही है, रेसिस्ट भी हो रहा है, शॉक और इम्पैक्ट भी ले रहा है। सो ऐसा कहाँ मिलता है? तो थोड़ा देर अपने दिमाग पर जोर दीजिए कि ऐसी पॉइंट आपको कहाँ मिलता है। सो रेसिलियंस अपने ऐसा किस में, किस मटेरियल में ऐसा रेसिलियंस देखा है? अपने देखा है, हर किसी ने देखा है। सो नेक्स्ट इज कि आप जब रेसिलियंस का मतलब होता है कि कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी एंड टू रेसिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट,
ठीक है, शॉक एंड इम्पैक्ट को वो रेसिस्ट कर सकती है। और रेसिलियंस को भी हम मेज़र कर सकते हैं एज जैसे हमने टफनेस मेज़र की थी। सो हमने क्या मेज़र, हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि कितना एनर्जी, कितना ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं रेसिलियंस ऑफ द मटेरियल। नाउ पर यूनिट वॉल्यूम तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, वेयर टफनेस में कहाँ तक हो रहा था, फ्रैक्चर पॉइंट तक, फ्रैक्चर पॉइंट तक। तो ये डिफरेंस है बस, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, उस वो उससे हम रेसिलेंस मेजर करते हैं। लेकिन फ्रैक्चर पॉइंट तक जो जितनी एनर्जी किसी मटेरियल में एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, उससे हम टफनेस मेजर करते हैं, ठीक है, उससे हम टफनेस मेजर करते हैं। ओके, ये ऐसा आपने रेसिलियंस आपने किस में देखा है, स्प्रिंग में। स्प्रिंग को देखना कभी भी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और शॉक और इम्पैक्ट भी रेसिस्ट करता है। दैट्स वाई हम लोगों जो साइकिल जब हम बचपन में यूज़ करते थे और उसकी सीट के नीचे स्प्रिंग लगे होते थे, क्योंकि आप एकदम सडन से जब बैठते हो साइकिल के ऊपर तो उसमें एक इम्पैक्ट लोड पड़ता है, उस इम्पैक्ट लोड को रेसिस्ट करने के लिए वहाँ पर रेसिलियंस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है किसी मटीरियल की, तो वहाँ पर स्प्रिंग लगाया जाता है, ठीक है। Now, so, जो जितना एनर्जी, जितना भी एनर्जी ये स्टोर या एब्जॉर्ब होता था अप टू इलास्टिक लिमिट, उससे हम मेजर करते हैं रेसिलेंस किसी भी मटेरियल का, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, ये स्ट्रेस है। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता था, किसी भी, अगर मैं माइल्स स्टील की बात करूं तो माइल्स स्टील का ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, जस्ट मैं आपको बताती हूं कि इसे इलास्टिक लिमिट कहां होती है। तो समवेयर हियर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। सो इस इलास्टिक लिमिट तक ये पोर्शन, इस पोर्शन में जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बाय अ मटेरियल, वो मेजर करेगी रेसिलेंस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल में कितना रेसिलेंस है, ठीक है। अब देखो ये तो मटेरियल रेसिलेंस एब्जॉर्ब कर वो बताएगी, लेकिन एट द पॉइंट अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट पर जो मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट पर, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारी ये लिमिट है। इस लिमिट पर जो मैक्सिमम एनर्जी आपको मिलती है उसको हम प्रूफ रेसिलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूफ रेसिलेंस, ठीक है। ओके, सो द मैक्सिमम एनर्जी विच कैन बी स्टोर इन अ बॉडी, किसी भी एक बॉडी में वो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो जाती है अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट, उसको हम प्रूफ रेसिलेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रूफ रेसिलेंस कहते हैं। अगर यही प्रूफ रेसिलेंस, प्रूफ रेसिलेंस हो जाए पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यही प्रूफ रेसिलेंस अगर मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दूं, तो ये प्रूफ रेसिलेंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम हो जाए तो ये मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस बराबर प्रूफ रेसिलेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्रूफ रेसिलेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दस द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एट इलास्टिक लिमिट, ठीक है, रेसिलेंस में इलास्टिक लिमिट तक जाना है, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस, ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस। और ये रेसिलेंस जो आपका है प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का, ये किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किसके लिए देखेंगे इसको, यूज्ड फॉर स्प्रिंग्स,
स्प्रिंग बनाने के लिए, स्प्रिंग्स बनाने के लिए हमें किसी भी मटेरियल में रेसिलेंस प्रॉपर्टी चाहिए ताकि हम उससे स्प्रिंग को डिज़ाइन कर सके। ठीक है, अगर एग्जांपल दूँ तो जो एनील्ड कॉपर होता है, एनील्ड इज दी एनील्ड जो होता है मटेरियल को चेंज करते हैं, कैसे करते हैं वो एनीलिंग प्रोसेस होता है, वो मैं बताऊँगी आगे। तो एनील्ड कॉपर होता है उसके अंदर अप टू इलास्टिक लिमिट बहुत लो एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए एनील्ड कॉपर को हम लोग कभी भी स्प्रिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते। जबकि कोल्ड वर्क जो आपका कॉपर होता है, जिसके साथ कोल्ड वर्किंग की जाती है, कोल्ड वर्किंग भी एक प्रोसेस है, उसको भी मैं आगे बताऊंगी। सो द कोल्ड वर्क आपका जो कॉपर होगा वो आप उसको स्प्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर अप टू इलास्टिक लिमिट ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है। तो अप टू इलास्टिक लिमिट जो मटेरियल एनर्जी स्टोर कर पाता है, जितनी ज़्यादा स्टोर करेगा ऑब्वियसली बात है उतनी ज़्यादा उसकी रेसिलेंस पावर अच्छी होगी। सो जितनी ज़्यादा एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट कोई मटेरियल स्टोर कर पाता है उसको हम कहते हैं रेसिलेंस ऑफ द मटीरियल। और वही रेसिलेंस अगर मैक्सिमम एनर्जी इस पॉइंट पर, इलास्टिक लिमिट पर जो मैक्सिमम एनर्जी होगी उसको प्रूफ रेसिलेंस कहेंगे, और उसी प्रूफ रेसिलेंस को अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम कर दें तो वो मॉडुलस ऑफ रेसिलेंस हो जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फटीग। फटीग क्या होता है? तो फटीग है फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर अल्टरनेट स्ट्रेसिंग इज कॉल्ड फटीग। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल जिसका फेलियर हो जाए, जो फेल हो जाए अंडर अल्टरनेट स्ट्रेसेस, अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस का मतलब है एक के बाद एक और आपके पूरे मतलब कोई भी मटेरियल है उसके पूरे लाइफ पीरियड में एकदम से नहीं होता फटीग एकदम से नहीं होता है। ओके, और ये जो फटीग होता है वो पूरे के पूरे आपके मटेरियल के जितना भी उसका लाइफ होता है एक मटेरियल का, उस लाइफ पीरियड में फटीग आता है। फटीग एकदम से नहीं आता है, अल्टरनेटली आप उस पर लोड लगा रहे हो, जैसे मैंने एक बार हाथ मारा फिर दोबारा से मारा, ये अल्टरनेटिवली आप बार बार उसके ऊपर एक साथ लोड लगाए जा रहे हो पूरे इसके लाइफ स्पैन पे किसी भी एक मटीरियल के, तो उसको कहते हैं हम फटीग। क्या कहते हैं उसको? फटीग। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंजीनियरिंग में कई ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको अल्टरनेटिवली बार बार उनके पूरे सर्विस लाइफ में, मटेरियल के सर्विस लाइफ में फटीग लोड, अल्टरनेटिव लोड जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो हर एक मटेरियल की फटीग कितनी है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी फटीग के चक्कर में मतलब बेकार हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, ये हमें जानना ज़रूरी है। As fatigue fractures occurs without any warning, फटीग की एक बैड थिंग है कि फटीग जो होता है विदाउट वार्निंग होता है। ठीक है, विदाउट वार्निंग होता है, तो जो चीज़ विदाउट वार्निंग होती है वो रिजल्ट करती है ब्रिटल। ठीक है, वो क्या रिजल्ट करती है? ब्रिटल। और फटीग में फ्रैक्चर होता है सो ये रिजल्ट करती है ब्रिटल फ्रैक्चर को। ब्रिटल फ्रैक्चर यानी जिस मटेरियल में फटीग होगा, फटीग मतलब विदाउट वार्निंग आपका मटेरियल टूट जाएगा, वो भी ब्रिटल फ्रैक्चर से विदाउट वार्निंग। ठीक है, ब्रिटल फ्रैक्चर की वजह से विदाउट वार्निंग आपका मटेरियल टूट जाएगा। अल्टरनेट स्ट्रेस को हम एक साइक्लिक लोडिंग भी बोल सकते हैं कि साइक्लिकली एक टाइम से थोड़े टाइम पर उसको लोड लगाया जा रहा है किसी एक मटेरियल को, तो उसको हम अल्टरनेट स्ट्रेस को साइक्लिक लोडिंग कह सकते हैं। तो बाय साइक्लिक लोडर अंडर साइक्लिक लोडिंग अगर आपका कोई एक मटेरियल फेल होता है तो उसको हम फटीग कहते हैं। इससे आप वो टाइम पीरियड निकाल सकते हो कितने टाइम पीरियड के बाद आपका मटेरियल फेल हुआ है, वही फटीग होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके पास है क्रीप। क्रीप बेसिकली टाइम डिपेंडेंट आपका वो है डिफॉर्मेशन है। क्रीप इज अ डिफॉर्मेशन जो कि एक टाइम डिपेंडेंट यानी टाइम पर डिपेंड करता है। क्रीप स्लो एंड प्रोग्रेसिव होता है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव यानी धीरे धीरे ये बढ़ता है। ठीक है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन ऑफ ए मटीरियल विथ अ टाइम ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। यहाँ पे विथ टाइम के साथ
विथ टाइम, ठीक है, स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन विथ टाइम, टाइम के साथ स्लो धीरे धीरे एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन होता है और विथ टाइम होता है. एंड ये जो कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के अंडर में, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस के अंडर में, ठीक है, बेसिकली जो क्रीप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिल्डिंग्स वगैरह में, ठीक है. बिल्डिंग वगैरह में जो खुद का सेल्फ वेट होता है बिल्डिंग का, वो कांस्टेंट स्ट्रेस हो गया. जो आप किसी मटेरियल को दे रहे हो, उस मटेरियल में, बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा है उसको दे रहे हो, एंड वो धीरे धीरे स्लो एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिवली डिफॉर्म होता चला जाएगा, ठीक है, विद टाइम. ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये आपको एकदम से नहीं दिखेगा, बहुत स्लोली स्लोली आपका ये प्रोसेस वर्क करता है. सो गाइस, ये जो क्रीप होता है, क्रीप में जैसे आपने ये क्रीप जो है, फर्स्टली तो ये प्लास्टिक इलास्टिक होता है, ठीक है. फर्स्टली क्या होता है, इलास्टिक होता है. इलास्टिक मतलब कि आप इसको जो है अगर लोड हटाते हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना शेप रिगेन करता है, लेकिन जो इसका फाइनल यानी जो डिफॉर्मेशन होता है क्रीप का, वो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है. क्रीप का डिफॉर्मेशन जो होता है वो प्लास्टिक होता है, यानी जब आप लोड हटा भी दोगे तो भी वो अपनी शेप रिगेन नहीं कर पाएगा, ठीक है. क्रीप डिफॉर्मेशन इज एन इम्पॉर्टेंट डिफॉर्मेशन, पेपर में भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो क्रीप डिफॉर्मेशन को हम टाइम वर्सेस क्रीप वर्सेस टाइम के बेसिस पे दिखा सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एट वाई एक्सिस भी क्या आएगा, क्रीप. क्रीप टाइम डिपेंडेंट होता है और एक्स एक्सिस पर टाइम, तो जब टाइम बढ़ेगा तभी क्रीप आएगा, ठीक है. बिना टाइम के क्रीप नहीं आएगा, ठीक है. क्रीप क्या है, डिफॉर्मेशन है. डिफॉर्मेशन को हम हमेशा क्या लिखते हैं, स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, ठीक है. स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, क्रीप इज डिफॉर्मेशन, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में आता है. जब जब टाइम बढ़ेगा तभी क्रीप होगा, एकदम सडन क्रीप नहीं होता है. बाकी जैसे ही मतलब आप किसी कोई भी एक स्ट्रक्चर है, इंस्टेंट कुछ क्रीप होता है, हर एक में कुछ इंस्टेंट क्रीप होता है, यानी इंस्टेंट डिफॉर्मेशन और क्रीप बोल सकते हो. तो कहीं ना कहीं आपके मटेरियल में इंस्टेंट डिफॉर्मेशन दिस पार्ट में मानो है, ठीक है. इस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रेन, नॉट इंस्टेंट, ठीक है. इंस्टेंट कुछ रहेगा, फिर इस क्रीप को थ्री टाइम में हम लोग डिवाइड करते हैं. पहला होता है प्राइमरी, यानी स्टेजेस कर लेते हैं. स्टेज वन, स्टेज वन, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, ठीक है. तीन स्टेज है. तो फर्स्ट स्टेज में देखो, इंस्टेंट क्रीप इतना था, इंस्टेंटली आया हुआ क्रीप इतना था. तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, क्रीप क्या होता है, घटता है, ठीक है. क्रीप क्या है, घटता है, बढ़ के एकदम से घटता है ये, ठीक है. क्रीप फर्स्ट स्टेज में टाइम डिपेंडेंट होता है, थर्ड स्टेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा. तो क्रीप फर्स्ट स्टेज में, जिसको हम प्राइमरी क्रीप बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज यानी प्राइमरी क्रीप, क्रीप रेट डिक्रीजिंग, क्रीप का जो रेट होता है, रेट ऑफ क्रीप इज डिक्रीजिंग, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू स्लोप ऑफ दैट इज स्लोप ऑफ कर्व इज डाइमेंशनिंग विथ टाइम, ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है, क्रीप कांस्टेंट हो जाता है. क्रीप रेट इज कांस्टेंट इन सेकेंड स्टेज, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ना ही क्रीप बढ़ता है ना ही डिफॉर्मेशन बढ़ता है, टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. टाइम बढ़ रहा है लेकिन क्रीप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है. टाइम बढ़ रहा है, क्रीप नहीं बढ़ रहा है, ठीक है. उसके बाद जैसे ही थर्ड सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज सेकेंडरी क्रीप, जैसे ही थर्ड स्टेज में एंट्री होती है, जिसको हम ट्रिटरी क्रीप बोलते हैं, थर्ड स्टेज बोलते हैं, इसमें सडन इंक्रीज होता है. इंक्रीज क्रीप रेट, क्रीप रेट का सडन इंक्रीज होता है. और क्रीप रेट एट द फ्रैक्चर पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा फ्रैक्चर पॉइंट होगा, ठीक है. यहाँ पर मटीरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा मटेरियल का, यानी फ्रैक्चर पॉइंट तक क्रीप क्या है, एकदम सडनली मतलब सडन थर्ड स्टेज में मैक्सिमम होगा, और इसका जो कर्व है
स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व विद टाइम इंक्रीज होगा। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि आपका कर्व का ये स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है आपके कर्व का कि कितने टाइम में कितना वो बढ़ रहा है, ठीक है, कितने टाइम में कितना वो बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये डेल्टा टी, ठीक है, यहाँ से टाइम दिख रहा है, यहाँ से स्ट्रेन दिख रहा है, तो डेल्टा स्ट्रेन, ठीक है। तो इस साइड पर क्या है, क्रीप बढ़ रहा है, ठीक है।